Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss introduction questions. The topic is city life. So, guys, without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is Do you live in the city or the countryside? कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप शहर में रहते हो या फिर आप विलेज में रहते हो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई लिव इन द कंट्री साइड कि मैं विलेज में रहती हूँ इट इज़ स्मॉल विलेज ये छोटा विलेज है एंड और मोस्ट ऑफ द पीपल कि ज़्यादातर जो लोग हैं हेयर यहाँ पर डू द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर वो खेती का काम करते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली है एंड और फ्रेश एयर इन माय विलेज कि ताजी हवा मेरे गांव में मेरे विलेज में द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो इज इज़ इट गुड फॉर यंग पीपल टू ग्रो अप इन द सिटी इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या नौजवानों के लिए शहर में बड़ा होना अच्छी बात है कि ग्रो अप हो वो शहर में द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ येस हाँ इट इज़ गु फॉर यंग पीपल कि ये अच्छी बात है यंग लोगों के लिए टू ग्रो अप इन दिटीज़ कि वो सिटीज़ में बड़े हों शहरों में बड़े हों बिकॉज क्योंकि सिटीज़ प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज़ क्योंकि क्योंकि जो शहर है वो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करते हैं देयर आर गुड एजुकेशन फैसिलिटीज़ कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी एजुकेशन से रिलेटेड सुविधाएं होती हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मतलब इंटरटेनमेंट की सुविधाएं होती हैं एंड और हेल्थ फैसिलिटीज़ और सेहत से जुड़ी हुई सुविधाएं होती हैं देयर आर ऑल्सो गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सिटीज़ शहरों में नौकरी के बहुत ही अच्छे मौके होते हैं द थर्ड क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो इज इज़ सिटी और विलेज अ गुड प्लेस फॉर यंग पीपल टू ग्रो अप इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपका शहर अगर आप शहर में रहते हो तो शहर बोला गया है और अगर आप विलेज में रहते हो तो विलेज कि आपका जो शहर है या फिर आपका जो विलेज है क्या वो नौजवानों के लिए बड़ा होने के लिए मतलब ग्रो अप होने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस हाँ माई विलेज इज़ अ गुड प्लेस कि मेरा जो विलेज है वो बहुत अच्छी जगह है फॉर यंग मल्टीट्यूड्स जो यंग लोग हैं उनके लिए टू ग्रो अप बड़े होने के लिए बिकॉज क्योंकि इट इज़ वेरी नियर टू द सिटी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पास में है शहर के ड्यू टू विच जिसकी वजह से मैनी फैसेलिटीज़ आर अवेलेबल है कि काफ़ी ज़्यादा सुविधाएँ यहाँ पे मिलती हैं मोर ओवर द इन्वायरमेंट ऑफ द विलेज जो इन्वायरमेंट होता है जो वातावरण होता है विलेज का इस मोर क्लीन और ज़्यादा साफ़ होता है फ्रेश ताज़ा एंड गुड फॉर यंग मल्टीट्यूड्स और बहुत अच्छा होता है जो यंग लोग हैं नौजवान हैं उनके लिए एज कंपेयर टू द सिटीज और अगर इसकी तुलना तो की जाए शहरों से टू ग्रो अप होने के लिए द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हैव यू एवर बीन टू द सी साइड इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी समुंदर के किनारे गए हो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो नहीं आई हैव नेवर बीन टू द सी साइड कि मैं कभी भी समुंदर के किनारे नहीं गई हूँ बट पर सम ऑफ़ माई रिलेटिव पर जो कुछ मेरे रिश्तेदार हैं विजिटेड गोवा वो गोवा गए थे लास्ट ईयर पिछले साल एंड और दे हैड टोल्ड मी और उन्होंने मुझे बताया था अबाउट द ब्यूटिफुल बीच बहुत ही सुंदर जो बीच है उनके बारे में द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो इज डू यू ऑफ़न ईट आउट गो टू रेस्टोरेंट्स इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अक्सर बाहर खाना खाते हो रेस्टोरेंट में जाते हो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ आई डो नाट यूजली ईट आउट कि आमतौर पे मैं बाहर खाना नहीं खाती और या फिर गो टू तो रेस्टोरेंट्स रेस्टोरेंट्स भी नहीं जाती अक्सर ही बिकॉज क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है होम मेड फ़ूड इज़ मोर हेल्दी जो घर पे बना खाना होता है वो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है एज़ कंपेयर टू द फूड अगर इसकी तुलना की जाए खाने से ऑफ रेस्टोरेंट्स जो रेस्टोरेंट में खाना उपलब्ध होता है समटाइम्स कभी कभी आई गो टू ईट आउट ट्वाइस इन सिक्स मंथ्स मैं समटाइम्स मतलब कभी कभी मैं खाना खाने के लिए जाती हूँ रेस्टोरेंट में या फिर बाहर खाना खाने के लिए जाती हूँ दो बार छ महीने में द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो इज वट फूड डू यू लाइक इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा खाना पसंद है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई लाइव ट्रेडिशनल पंजाबी फूड कि मुझे ट्रेडिशनल जो पंजाबी खाना है वो पसंद है सच है जैसे कि दाल रोटी आई लव इटिंग इटेलियन पिज़ा एंड पास्ता और मुझे इटेलियन जो पिज़्ज़ा है और पास्ता वो बहुत पसंद है सो गाइट्स दैट सॉल्व फॉर टेज वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो इन द बिले कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू एल्स तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर